हेलो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है भारत वर्सेस बांग्लादेश, पहली टेस्ट हाईलाइट। दोस्तों, आप अगर भारतीय टीम को एक अच्छी टीम मानते हैं तो इस चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, तो आज आइए आपको बताते हैं कि भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच खेली गई पहली टेस्ट मैच की हाईलाइट। दोस्तों, इस टेस्ट मैच में टॉस जीतकर भारत ने पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था। तो भारत ने पहले दाव में 404 रन बनाए थे और विकेट की बात करें तो पहला विकेट हमारा 41 रन पर गिरा था, दूसरा विकेट 45 रन पर, तीसरा विकेट 48 रन पर, चौथा विकेट 112 रन पर, छठा विकेट 261 रन पर और छठा विकेट हमारा 268 रन पर, सातवां विकेट हमारा 297 रन पर और आठवां विकेट हमारा 385 रन पर और नौवां विकेट हमारा 397 रन पर और आखिरी दसवां विकेट हमारा 404 रन पर गिरा था। ऐसे भारत ने पहली पारी में 404 रन बनाए थे और ओवरों की बात करें तो 133 ओवर और 5 गेंदें रमी थी। तो अब बात करते हैं बांग्लादेश टीम की। तो पहले दाव में मात्र 150 रन पर बांग्लादेश टीम ऑल आउट हो गई थी, जिसमें बांग्लादेश की टीम पहला विकेट है वो जीरो पर ही गिर गया था, दूसरा विकेट 5 रन पे, तीसरा विकेट 49 रन पे, चौथा विकेट 56 रन पे, पाँचवा विकेट 75 रन पे, छठा विकेट 97 रन पे और सातवां और आठवां जो विकेट है वो 102 पर गिर गए थे और नौवां विकेट है वो 144 रन पे गिरा था और आखिरी जो विकेट है वो 150 रन पे गिरा था। तो ऐसे बांग्लादेश की टीम मात्र 55 ओवर में और 5 गेंदें खेलकर 150 रन पर ही ऑल आउट हो गई थी और अब भारत को 80-85 254 रनों की बढ़त मिल गई थी। तो अब दूसरे दाव में भारत ने केएल राहुल और शुभमन गिल ये दो विकेट खोकर 49 ओवर और 3 गेंद पर 258 रन बनाकर पारी को डिक्लेयर कर 512 रन की लीड हासिल कर ली थी। इसके जवाब में बांग्लादेश टीम की दूसरी पारी की बात करें तो बांग्लादेश टीम ने 113 ओवर और 2 गेंदें खेलकर पूरी टीम 324 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। हम पाँचवें दिन की बात करें तो बांग्लादेश को जीतने के लिए 271 रनों की जरूरत थी और भारत को 4 विकेट की। तो भारत ने एक ही घंटे में 3 विकेट चटका दिए थे और आखिरी विकेट भी अक्षर पटेल ने गिरा दी थी। इस तरह बांग्लादेश टीम 113 ओवर और 2 गेंदे का सामना कर दूसरी पारी 324 रनों पर ऑल आउट हो गई थी और भारतीय टीम ने पहली टेस्ट 188 रनों से जीत ली। इस टेस्ट में मैन ऑफ द मैच की बात करें तो कुलदीप यादव मैन ऑफ द मैच बने हैं। इन्होंने पहली पारी में शानदार प्रदर्शन कर 5 विकेट चटकाए थे और दूसरी पारी में भी 3 बड़े विकेट निकाले थे। तो भारतीय टीम को पहली टेस्ट 188 रनों से जीतने में कुलदीप यादव का काफ़ी बड़ा हाथ रहा है और अब भारतीय टीम 2 टेस्ट मैच की श्रृंखला में 1-0 से आगे है और बांग्लादेश की टीम 0-1 से पीछे है। तो बस इस टेस्ट मैच की हाईलाइट इतनी ही। वंदे मातरम।